अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द थ्री लाइफस्टाइल लाइव शो। मैं हूं आज आपकी होस्ट अक्सा अली एंड टुडे वी आर हियर अगेन विद डॉक्टर आयशा टू डिस्कस अबाउट द प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसे हम यूजली पीआरपी भी कहते हैं। सो डॉक्टर आयशा, हमें बताएं कि बेसिकली पीआरपी होता क्या है, हाउ इट वर्क्स और फर्दर इसके बेनिफिट्स के बारे में। सो फर्दर हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर डॉक्टर आयशा से पूछते हैं कि बेसिकली होता क्या है। सो डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आयशा, हमें बताएं कि पीआरपी होता क्या है? अच्छा, पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहलाता है। ये फेस के लिए भी हो सकता है, आपके स्कैल्प के लिए भी होता है, कोई इंजरी हो गई है, वाउंड है, वर्म के स्कार्स हैं, उनके लिए भी होता है। इट इज बेसिकली फॉर एजिंग, डार्क सर्कल्स, एक्नी स्कार्स, फाइन लाइंस होती हैं, हार्ड लाइंस होती हैं, उनके लिए हम पीआरपी करते हैं। ठीक है, तो पीआरपी बेसिकली बहुत सी चीज़ों को कवर अप कर रहा होता है, जैसे कोई इंजरी है, उसके निशान है, पोस्ट डिलीवरी स्कार्स होते हैं, उनके लिए, उनके निशान के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हम पीआरपी कर सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि हु शुड टेक द पीआरपी ट्रीटमेंट? अच्छा, पीआरपी सेशंस एक्नी के लिए बेस्ट हैं, एक्नी स्कार्स के लिए बेस्ट हैं, कोई भी आपकी बर्न इंजरी है, स्किन रिजुविनेशन करता है ये बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, तो ये बेस्ट है उन सब चीज़ों के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम आपका ब्लड लेते हैं 10 to 15 ml। ये रिक्वायरमेंट होती है, जितना भी आपको लेना चाहें, जितना ज़्यादा आपने फेस को कवर करना है, जितना एरिया कवर करना है। वैसे नॉर्मली 10 to 15 ml का हम ब्लड लेते हैं, फिर हमारे पास एक प्रॉपर मशीन होती है पीआरपी की, सेंट्रीफ्यूज मशीन कहलाती है, उसके अंदर हम आपके ब्लड सैंपल को जो है वो रखते हैं और फिर वो सेपरेट हो जाता है प्लेटलेट प्लाज्मा, फिर हम उसको इंजेक्ट करते हैं। पीआरपी माइक्रोनीडलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, पीआरपी हम माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू करते हैं। ये फेस पे, आपकी स्कैल्प पे, हेयर, अगर आपको हेयर ग्रोथ का इश्यू है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, हेयर ग्रो नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी पीआरपी बेस्ट है। और फेस स्किन के जो भी प्रॉब्लम हैं, डार्क सर्कल्स हैं, स्किन पे पिगमेंटेशन है, स्किन पे दानों के निशान रह गए हैं, गड्ढे हैं, ओपन पोर्स हैं, इन सब चीज़ों के, मतलब बेसिकली ये आपकी स्किन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है पीआरपी, आपकी स्किन को बेटर हेल्दी कर रहा होता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है पीआरपी का, और ये ले सकते हैं। ऑलराइट डॉक्टर, मुझे ये बताया कि किन एज के लोगों को बेसिकली पीआरपी लेनी चाहिए? पीआरपी हर एज के लिए बेस्ट है। ठीक है, अबव 18 तभी एक्ने का प्रॉब्लम होता है, तभी सारे इश्यूज हो रहे होते हैं। टीन एज से आगे, जब आप 18 एज में आते हैं, इससे ऑनवर्ड ही आपको एक्ने या और भी मिलाज्मा हो गया या कोई और चीज होगी, मीलिया हो गया, इन सब चीज़, तो कोई ना कोई मिलाज्मा भी इस ट्रीटमेंट के थ्रू रिकवर हो सकते, कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। इसमें माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं हम, माइक्रो इंजेक्शंस भी होते हैं। पीआरपी एक बहुत वाइड टर्म है, इसमें हम बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करके आपके हर मसले को हल कर रहे होते हैं। तो इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, अबव 18 हम इसको कह सकते हैं, ले सकते हैं, और 65 एज तक हम जा सकते हैं इस ट्रीटमेंट को लेके। 65 से ज़्यादा या 60 से ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा सैगिनेस हो चुकी होती है स्किन पे, तो ऐसे रिजल्ट्स नहीं आपको आ रहे होते, तो 18 अबव और 60 तक इसको हम लेके जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि पीआरपी के बेसिकली कितने सेशंस होते हैं और ईच सेशन में हम कितना गैप ले सकते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए? पीआरपी के सेशन, सपोज आज आपका फर्स्ट सेशन है, हम इसको एक्नी स्कार्स के लिए अगर हम देख रहे हैं, नॉर्मली हर ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बेसिकली एक्नी स्कार्स के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, तो हम इसको 4 weeks तक लेके जा सकते हैं, इससे पहले अवॉइड करते हैं, इसके बाद 4 to 6 weeks तक का मार्जिन होता है कि हम इसको रिपीट कर लें सेशन, इससे आपको विजिबल डिफरेंस नजर आता है। ठीक है, ओके। सो डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि इज इट एप्लीकेबल फॉर योर फेस ओनली, हम अपने बॉडी पार्ट्स पे भी करवा सकते हैं? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे हो सकता है, फेस पे, स्कैल्प पे, हेड पे, हेड पीआरपी होती है बेसिकली, हाँ जी, फुट पे हो सकता है, नेक पे हो सकता है, आपके हैंड्स पे हो सकता है, क्योंकि आपको कोई भी इंजरी के, अगर आपको मार्क्स रह गए हैं, बर्न के मार्क्स रह गए हैं, बेसिकली जो कुकिंग करती हैं खवातीन, उनके अगर हैंड्स पे बेसिकली आर्म्स बर्न हो जाते हैं, तो उसके लिए तो हम पीआरपी कर सकते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट पे पीआरपी का सेशन किया जा सकता है। That's great, हाँ। मुझे ये बताएं कि these are the parts जहाँ पे हम अपनी पीआरपी करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन is there any part जहाँ पे हम अपनी पीआरपी नहीं करा सकते? ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंजरी, स्कार, बर्न, ये सारी चीजें, स्किन लूजनिंग, इन सब चीजों का आपको पीआरपी से फायदा मिलेगा। अच्छा,
अच्छा डॉक्टर, मेरा आपसे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे क्लाइंट्स का बेसिकली क्वेश्चन है कि इज़ इट इक्वली इफेक्टिव फॉर द मेल्स और इट्स जस्ट फॉर द फीमेल्स? इक्वली इफेक्टिव है मेल फीमेल दोनों के लिए. Okay. इसमें कोई जेंडर का कोई ऐसा है नहीं, दोनों ट्रीटमेंट ले सकते हैं इजीली, सेम इफेक्ट्स आएंगे. कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि फीमेल लेंगे तो उनको इतना रिजल्ट आएगा, मेल लेंगे तो, दोनों का इक्वल रिजल्ट है. ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अगर हम अपने PRP करवाते हैं तो उसके बाद वी कैन गेट बैक टू द वर्क, हम अपनी आम रूटीन पे आ सकते हैं, इज देयर एनी डाउन टाइम या क्या होता है प्रोसीजर? डाउन टाइम एज सच नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप कोई भी इन्वेसिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसकी रेडनेस तो होगी, स्वेलिंग तो होगी. 1 to 2 days आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप सन एक्सपोजर करें. ओके. आप अपना काम कर सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, आप सनब्लॉक का इस्तेमाल करें, कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि आप अपना काम नहीं कर सकते, वर्क प्लेस पर नहीं जा सकते. इन्वेसिव प्रोसीजर है, कोई ना कोई रेडनेस तो जरूर महसूस होगी. उस चीज़ को आप थोड़ा सा कवर अप करने के लिए सनब्लॉक का इस्तेमाल करें, ऐसा कोई इशू नहीं है. ओके, वेल दैट्स ग्रेट. हाँ, मुझे बताएं कि व्हाट अबाउट द रिजल्ट्स, PRP के रिजल्ट्स फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज, और आपको विजिबल रिजल्ट्स कब तक शो हो सकते हैं, मतलब PRP के बाद? 3 to 4 sessions, मैक्सिमम 3 to 4 sessions बेस्ट रिजल्ट्स शो कर देते हैं. ठीक है. अगर हम पिगमेंटेशन की, स्किन रिजुविनेशन की बात करें तो वो आपका अप टू 1 year लास्ट करते हैं रिजल्ट्स. अगर हम एक्नी स्कार्स की बात करते हैं, एक्नी की बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं इसके, आपको फोर एवर इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, ये वापस नहीं आ सकता है. ओके, वेल दैट्स ग्रेट. अच्छा, मुझे फिर ये बताएं कि जो 3D लाइफस्टाइल में मेडिकल स्टैटिक ब्रांड किया, PRP ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है. 3D लाइफस्टाइल PRP ऑफर कर रहा है, माइक्रो नीडलिंग ऑफर कर रहा है. ओके. क्योंकि PRP के साथ हम माइक्रो नीडलिंग भी कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस भी यूज करते हैं, तो ओनली PRP. अच्छा, तो हम इनका कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं? बिल्कुल, इसका कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं. ओह वेल, दैट्स ग्रेट. अच्छा, फिर ये बताएं कि, मुझे जल्दी से बता दें कि कोई ऐसी रिसेंट ऑफर है जो कि 3D ऑफर कर रहा हो PRP फेस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, 3D ऑफर कर रहा है PRP फेस के लिए. आपको इन सब चीज़ों से जो है वो छुटकारा मिलने वाला है. PRP फेस के लिए अभी हमने लॉन्च की है, तो आप आएँ और इसको बुक करवाएँ और अपना जो है वो स्किन के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कराएँ. ठीक है, मुझे बताएं कि क्या PRP ऑल ओवर नेशन वाइड हमारे 3D में ऑफर हो रहे हैं या जस्ट लाहौर की ब्रांचेस में? नहीं नहीं, बिल्कुल हर जगह 3D के जहाँ जहाँ ब्रांचेस हैं, आप कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, इन सब जगह पे जो है वो 3D ऑफर कर रहा है PRP. ओके. सो मेरा आपसे लास्ट ये क्वेश्चन होगा कि हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, अगर वो अपनी PRP ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि वो अपनी कंसल्टेशन कैसे कर सकते हैं, अपनी बुकिंग या अपॉइंटमेंट किस तरह से ले सकते हैं PRP के लिए? बहुत इजी वे है, आप अपना सोशल मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, आप अपना फेसबुक है, इन सब के थ्रू आप सोशल मीडिया के थ्रू बुक करवा सकते हैं. व्हाट्सएप है, आपका कॉल सेंटर है, उस पर कॉल करें, आप अपनी कंसल्टेशन ईजीली बुक करा सकते हैं. ऑलराइट, चलें. As usual, डॉक्टर आयशा ने हर चीज़ हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आज हम नहीं पूछ सके तो हमारे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, हम आपको उसका जवाब देंगे. या फिर आप हमें डायरेक्ट इनबॉक्स कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, अपने कोई भी क्यूरीज हो आपके इस ट्रीटमेंट के रिलेटेड, या फिर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप फॉर योर अपॉइंटमेंट या कंसल्टेशन बुकिंग के लिए. एट द एंड ऑफ द सेशन मैं यही कहूँगी कि द फिल्टर्स आर द ग्रेट बट द ग्लोइंग स्किन इज बेटर. So get the chance to have a facial and get the glowing and healthy skin. So hum next session mein aayenge apne next new treatment ke saath. Tab tak ke liye khuda hafiz.